अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम खन्ना पुल के पास हैं। यहाँ पर डकैतों ने स्नैचिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आए रोज वारदातें हो रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी दुम में लगी आग को बुझा नहीं पा रही और अवाम को पुलिस प्रोटेक्शन देने में नाकाम नजर आती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के वाकयात को ही ले लिया जाए तो एक तहलका मचा देने वाला ऐसा सिस्टम शुरू हो चुका है। घर से बाहर निकलते वक्त मौत वाजे नजर आती है। हर शख्स को अपनी जेब की परवाह है और अपनी जान की भी, मगर अब ये लगता है कि पुलिस से भी ये बचानी पड़ेगी और चोरों डकैतों से भी। आखिर तक मनासिर को लाजमन देखिएगा, देख लीजिए वीडियो को भी कि खाना पुल पर क्या वाकया पेश आया। लाइक लाजमी कीजिएगा प्लीज, ताकि ये मैक्सिमम वायरल हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम खन्ना पुल के पास हैं। यहाँ पर डकैतों ने स्नैचिंग की है और एक जो नौजवान था यहाँ पर उसको फायर मार के उसका मोटरसाइकिल और मोबाइल और नकदी ले गए। ये यहाँ पर जो मौके पे मौजूद थे भाई, आपको बताएंगे कि क्या हुआ। जी जनाब, क्या हुआ अभी सर यहाँ वाक्य? ये पीछे से उन्होंने थोड़ा सा पीछे से कहा कि जी हमें लिफ्ट दें। वो भाई ने लिफ्ट नहीं दिया, वो ज़बरदस्ती उसके साथ बैठे हैं, तो उसको पहले पिस्टल का बट मारा है उसके सर पर और इधर आकर मेरे सामने ये यहाँ पे जो है ना उन्होंने छीना है, छीन कर वो इसको भाई को जो है उन्होंने फायर भाई पे किया है, उसको टांग को छू कर गुजर गया है। तो ये लड़का जख्मी हो गया उस फायर से? जख्मी हुआ है, फायर उसके टांग को छू कर गुजरा है। तो ये पुलिस कितनी देर बाद यहाँ पे आई? फौरन फिर फौर आ गई थी। और उसके बाद उन्होंने कोई, ये पुलिस वाले जो गए उन लड़के के पीछे या किसी ने कोई जहमत? पुलिस वालों ने इधर से जो है ना वो कॉल तो चला दी है, अभी पीछे जाने का नहीं पता। पुलिस वालों के बाइक पीछे खड़े हुए हैं। ठीक, तो अब ये नौजवान को यहाँ से ले गए पुलिस वाले साथ? जी, अभी वो इधर से जो है ना उसको जिन लोगों ने ये वकूआ की है उनके कैसे खदोखाल थे, वो कितने लोग थे और उनकी क्या उम्रें थी? दो बंदे थे, दो बंदे जो बाइक पे बैठे हुए थे और एक, ये तीन बंदे थे क्योंकि तीसरा भी उनके साथ पीछे जो है ना बैठा है। हाँ, तकरीबन 25 से 30 साल उनकी एज हुई होगी तीनों की। बहुत शुक्रिया जनाब। तो साथियों, आपने देखा इस एरिया में ऐसी वारदातों का होना एक आम सी चीज़ है। हालांकि पुलिस थाना भी करीब ही है, पुलिस भी यहां नाकों वगैरह पर मौजूद रहती है, लेकिन किसी भी किस्म की अवाम को प्रोटेक्शन देने में ये कम्प्लीटली नाकाम नज़र आते हैं। चोर डकैत हैं कि सरेआम घूमते हैं, लोगों को गाड़ियों में डालकर ले जाकर वारदातें करते हैं, लोगों को बाइक्स पर मार डालते हैं, राह चलते लोगों से छीना झपटी वाले काम एक आम सा मामूल बन गया है। तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि पुलिस होश के नाहन ले सके और राय भी दे वीडियो के मुताबिक। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो तो वीडियो आपके पास मौजूद हो, हमें हमारे पेज पर लास्ट मन शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन।